फ्रेंड्स, आज इन्फोसिस के दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले और आप ये देख सकते हो अभी ये रिजल्ट से पहले शेयर 1% के आसपास की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और पूरा बाजार इस नतीजे की वेट कर रहा है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बार किस तरीके के नतीजे आने का अनुमान है वो मैं अनुमान आपके लिए यहाँ पर लाया हूँ, ताकि जब इन्फोसिस अपने दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट पेश करे तो हम अनुमान के सामने इन्फोसिस ने कैसे नतीजे पेश किए वो आसानी से पता लगा सके। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, पिछले साल 24,570 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू थी, वो इस साल साल दर साल अगर देखें तो 20% के आसपास की ग्रोथ दिखाएगी ऐसा माना जा रहा है, और इस बार 29,341 करोड़ के आसपास रेवेन्यू रह सकते हैं। और जो पिछले साल 4,845 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था वो 7% के आसपास की साल दर साल ग्रोथ दिखा सकता है और 5,220 करोड़ के आसपास आने का मेरा पर्सनली अनुमान है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर रेवेन्यू यानी कि बिजनेस तो 20% से बढ़ेगा मगर प्रॉफिट 7% के आसपास के दर से ही बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि इस बार पिछले साल के मुकाबले हमें मार्जिन में गिरावट देखने को मिलने वाली है। और दूसरा कि नॉर्मली आईटी कंपनियों में Q1Q रिजल्ट को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर Q1Q रेवेन्यू 5% के आसपास बढ़ने का अनुमान है और प्रॉफिट फ्लैट टू पॉजिटिव यानी कि 20-25 करोड़ के आसपास बढ़ने का अनुमान है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, अब देखते हैं इन्फोसिस अनुमानों के सामने किस तरीके के नतीजे पेश करने में कामयाब रहता है।